पाशा साहब, जो केस जिस केस की बुनियाद पर ये सारी बात कही जा रही है कि हमारा वक्त ज़ाया किया गया एक घंटा, वो तोशाखाना वाला केस है, थोड़ा हमें ये तो समझा दें, जब चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हम ट्रायल कोर्ट वाली गलती नहीं करेंगे, वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो मेरा ख्याल है ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट ने जिस तरह बार बार उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो उजलत और जल्दबाजी में उन्होंने फैसला किया है और डिफेंस एविडेंस तक रिकॉर्ड नहीं की, तो ये ऐसा इल्ज़ाम किसी भी फरीक की तरफ से हमारे ऊपर ना लगे कि हमने बिला वजह उजरत का मुजाहरा करके एक फैसला कर दिया। मेरा ख्याल है कि ये कोई, मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता, क्योंकि मामला जो है वो सिर्फ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का है, पूरी अपील पे पूरे केस पे बहस नहीं होनी। और ये मैटर 3 साल सजा है और मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का ये काम है। उसकी वजह ये है, मैं आपको बताता चलूँ प्राचा साहब, के जो सस्पेंशन की सेंटेंस पे के उसके उसके खिलाफ जो एप्लीकेशन होती है उसमें मेरिट्स ऑफ द केस, आई मीन जो एविडेंस है, उसको बिल्कुल भी टच नहीं किया जाता। सिर्फ जजमेंट के अंदर जो एरर, जो प्रोसीजर डिफेक्ट्स या और कोई ऐसी डेफिशिएंसीज होती हैं, वो आर्गू किए जाते हैं जी कि जज साहब ने फैसला करते वक्त इस चीज को मद्देनजर नहीं रखा, इस चीज को मद्देनजर नहीं रखा, ये चीजें हैं। तो दूसरी बात, एक और जो अहम, ये भी अगर वो कमीशन बनता है लिफ्ट पे जिस तरह कामरान मुर्तजा साहब ने फरमाया, तो मैं एक चीज और रखता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये इस मुल्क की अवाम की जानब से रखता हूँ, जिनके केसेस मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स बशमूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है, कि जुम्मे को कभी डिवीजन बेंच नहीं बैठता जी, जी रूटीन के मैट कभी भी नहीं बैठता। आखिर इसी केस के लिए क्यों बिठाया गया आज? अगर इन्होंने आगे मंडे तक करना था तो मंडे को रख लेते। अब ये तासर भी दिया जा रहा है कि शायद ये कोई बड़ा अहम केस है और इमरान खान साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, पॉपुलर लीडर हैं, उनका केस है, उनके केस के लिए स्पेशल बेंच जो है वो जुम्मे को बिठाया गया, ये भी देखना चाहिए, इस पे भी तहकीक होनी चाहिए। पाशा साहब, वो तो कह रहे हैं कि जी जानबूझ के इसको ताखीर का शिकार किया गया है, वो कहते हैं खोसा साहब तो ये फरमा रहे थे कि ओहो 3 दिन मजीद चेयरमैन पीटीआई को जेल में रखा जाएगा, जैसे ये पहले कहा करते थे पीटीआई वाले कि हमारी डेडलाइन है वो, तो बाकी भी तो मखलूक जेल में पड़ी है, बाकी भी तो पड़े रहते हैं। आज चीमा की बात आज ही आ गई, वो मैं बाद में जाकर टेकअप करूँगा, लेकिन एक तरफ पीटीआई कह रही है कि ताखीर की जा रही है, एक तरफ जज साहब खुद फरमा रहे हैं कि हम जल्दी नहीं करेंगे जिस तरह ट्रायल कोर्ट ने गलती की, तो फिर मैं इसका क्या मतलब समझूं? प्राचा साहब, कल जब एडजर्नमेंट हुई इस केस की और आज के लिए फिक्स हुआ, तो मैं स्पेसिफिकली और कॉन्शियस होकर देखता रहा कि शायद किसी एक हलके से ये एप्रिसिएशन आए, खास तौर पे जो हमारे पीटीआई के दोस्त वकील हैं उनकी तरफ से आए, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने जुम्मे को रूटीन में डीबी नहीं बैठती, डिवीजन बेंच नहीं बैठता, तो उन्होंने जो है वो इसको कर दिया, आज फिक्स कर दिया केस, तो इसकी अप्रिसिएशन भी आनी चाहिए थी प्राचा साहब।